नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट्स लेने वाले हैं, मॉड्यूल सी लेने वाले हैं और मॉड्यूल सी का फर्स्ट यूनिट यानी यूनिट 13 ले रहे हैं हम, बैलेंस शीट इक्वेशंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट इक्वेशंस हम इस मॉड्यूल में कवर कर रहे हैं। ये बेसिक चैप्टर है बैलेंस शीट का। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको समझने के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। देखिए, वन शुड कीप इन माइंड दैट द एसेट ऑफ बिजनेस शुड ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटी। ये देखिए, मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जितनी भी एसेट्स आएंगी उतनी ही उसकी लायबिलिटी आनी है, यानी ये टोटल आपका टैली होना चाहिए बैलेंस शीट का। पहली बात, यानी कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज का टोटल आपका एसेट साइड से मिलना चाहिए। एंड द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। देखिए, रेवेन्यू क्या है? आपका इनकम, इसमें से ये खर्चे निकाल देंगे तो ये टैली होना चाहिए आपके नेट प्रॉफिट से, ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशंस बनती हैं। आप देखिए, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है उसको बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कैपिटल, कैपिटल क्या है? ओनर की इक्विटी है, जो ओनर ने पैसा लगाया है। ये किसके बराबर होगा? एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ये टोटल एसेट है मेरी और ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। एसेट में से मैं आउटसाइड लाइबिलिटी अगर माइनस कर दूंगा तो मेरी कैपिटल आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी। ये टोटल एसेट है, ये किसके बराबर है? कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी। मैंने आपको बताया एसेट और लाइबिलिटी का टोटल मैच होना जरूरी है, तभी आपकी बैलेंस शीट टैली मानी जाएगी। थर्ड इक्वेशन है मेरी, आउटसाइड लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। देखिए, ये है मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर ये मुझे निकालनी है तो ये टोटल एसेट में से जब मैं कैपिटल को माइनस कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी आ जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी। अब आइए आप इनकम और एक्सपेंडिचर पे, इनकम और रेवेन्यू पे, ठीक है ना? इनकम और एक्सपेंसेस के लीजिए या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लीजिए। प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू यानी इनकम। देखिए, ये टोटल इनकम हुई मेरी 31,000 की, इसमें से एक्सपेंसेस हैं मेरे 9,000 रुपये के। 31 में से मैंने 9,000 माइनस कर दिया तो मेरा क्या आ गया? इनकम आ गई, यानी प्रॉफिट आ गया। तो ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, रेवेन्यू यानी टोटल इनकम इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ये एक्सपेंसेस थे मेरे 9,000 के और प्रॉफिट था 22,000 का, तो इसको मिला दिया तो मैंने 31,000, ये टोटल रेवेन्यू के बराबर हो गया। इस तरह से अकाउंटिंग में इक्वेशंस बनाई जाती हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, बैलेंस शीट का एसेट साइड जो है उसमें पहला आइटम आता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा आइटम आता है नॉन करंट एसेट और तीसरा आइटम आता है करंट एसेट। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में दो आइटम आते हैं आपका कैपिटल और दूसरा है आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी को भी हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी LTL, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको और क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को समझिए। पिछले वाले जो वीडियो मैंने लिया है उसमें आप समझ गए होंगे कैपिटल क्या है। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने लगाया है, कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने लगाया है, ठीक है ना? लाइबिलिटी क्या है? टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ये वो पैसा है जो वापस करना है फर्म को। देखिए, ओनर ने जो पैसा लगाया है वो ओनर के लिए एसेट है परंतु फर्म के लिए लाइबिलिटी है। और आउटसाइड लाइबिलिटी तो है ही, जो भी उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया है। तो ये टोटल लाइबिलिटी वो पैसा है जो उनको आउटसाइडर्स को देना है। अब टोटल एसेट क्या है? एसेट वो है जो फर्म ओन करती है, ओन्ड बाई द फर्म, ये टोटल हमारा एसेट है। तो ये इस तरह से हम एसेट लाइबिलिटी को टैली करते हैं। ठीक है, अब आइए आप इनकम एक्सपेंडिचर पे। इनकम क्या है? जितना भी हम कमा रहे हैं ऑपरेशन से या बिजनेस से, जो भी हमारे पास इनफ्लो हो रहा है कैश का, वो हमारा टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस क्या है हमारा? एक्सपेंसेस कॉस्ट है जो हम इनकम कर इनकर कर रहे हैं। जब इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, कुछ टर्म्स और यूज होती हैं बिजनेस में, जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा समझना ये जरूरी है। पहला है हमारा डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर होता है, आप समझिए, एक फर्म है ए, अब इसने बी को गुड्स सेल किया क्रेडिट पे यानी उधार पे, बी को गुड्स सेल किया तो बी कौन हो गया इसमें? डेटर हो गया।
तो ए कौन हो गया? ए हो गया आपका क्रेडिटर। ए ने बी को उधार पे क्रेडिट पे गुड्स सेल किया, तो बी डेटर हो गया और ए हो गया आपका क्रेडिटर। तो ये क्रेडिटर भी आपको आ गया। या ऐसे समझिए, सी ने बी को गुड्स सेल किया या बी ने सी से गुड्स बाई किया, तो यहां डेटर कौन हो गया? यहां बी डेटर है। यानी जिसने माल खरीदा है उधार पे वो डेटर है और जिसने माल बेचा है वो क्रेडिटर है। सिंपल टर्म है, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब गुड्स को सेल किया जाता है तो उसकी एक प्राइस फिक्स है। समझिए, एक गुड मैंने 50,000 पे सेल करनी है। अभी इसकी कंडीशन है कि इसका पेमेंट 30 डेज में करना है। जो सेलर है उसने डिस्काउंट की स्कीम लगा रखी है कि अगर 30 डेज में इसका पेमेंट करते हैं तो 1% इस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इसी तरह का कैश डिस्काउंट होता है। 30 डेज की जगह अगर कोई बायर कहता है कि 50,000 में 30 डेज की जगह आपको इंस्टेंट पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो रिक्वेस्ट करेगा इससे कि भाई 1% तो आप डिस्काउंट दे ही रहे हैं, मुझे 1% से 2% कर दीजिए डिस्काउंट। तो 1% जो उसको डिस्काउंट आया, दैट इज कैश डिस्काउंट। इस तरह से डिस्काउंटिंग चलती है। एक तो ट्रेड डिस्काउंट है जो नॉर्मल ट्रेडिंग में चलता है, और दूसरा कैश डिस्काउंट है यानी उसने इंस्टेंट पेमेंट कर दिया तो उसको कैश डिस्काउंट भी उस पर मिलेगा। तो आपको डेटर, क्रेडिटर, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, मैंने यहाँ एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिया है। अब आप देखिए इक्वेशंस कैसे बनती हैं, बैलेंस शीट की इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, ये एसेट लाइबिलिटी का यानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हमारा। देखिए लाइबिलिटी साइड में तीन आइटम होते हैं। पहला है कैपिटल, दूसरा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसमें 12 महीने से ज़्यादा वाली लाइबिलिटीज होती हैं, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऐसी हैं जिनका 12 महीने के अंदर हमको पेमेंट करना होता है, और ये मोर देन 12 मंथ की लाइबिलिटी हैं, इसलिए इनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं और इनको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। ऐसे ही एसेट साइड में तीन आइटम होते हैं, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। एक तो फिक्स एसेट हो गई आपकी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये सारा फिक्स एसेट हो गया। रनिंग में जो एसेट चलती हैं जैसे स्टॉक है, कैश है, डेटर्स हैं, ये आपकी करंट एसेट हो गई, और इन दोनों में जो नहीं आती वो नॉन करंट एसेट है। अभी देखिए हम एग्जांपल से एक बार समझेंगे इसको। मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, मिस्टर सुमित स्टार्टेड ए बिजनेस। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे बनेंगी आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, तभी आप बैलेंस शीट में आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। मिस्टर सुमित स्टार्टेड ए बिजनेस बाई कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 5 लाख इन कैश। 5 लाख रुपए उसने कैश लगाया। अब देखिए आपकी बैलेंस शीट की इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल साइड में आपका 5 लाख रुपया आ गया, और यहाँ करंट एसेट में कैश की फॉर्म में आपका 5 लाख रुपया आ गया। बैलेंस शीट का टोटल अगर मैं लगाऊंगा तो दोनों साइड का टोटल 5 लाख रुपये हो गया। पहली इक्वेशन बन गई मेरी 5 लाख कैश और 5 लाख कैपिटल अकाउंट को आ गया। इक्वेशन टैली हो गई मेरी, तो ये पोर्शन मेरा कवर हो गया। अभी आप देखिए, ही परचेज स्टॉक ऑफ रुपीज 1.50 लाख। जो कैश था उसके पास में, उसमें से उसने क्या किया, 1.5 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा। अभी स्टॉक कहाँ आएगा, स्टॉक भी करंट एसेट है, तो मेरा स्टॉक आ गया यहाँ पे 1.50 लाख, और जो कैश था उसमें से पैसा चला गया तो कैश मेरे पास रह गया 3.50 लाख। अगेन मेरी इक्वेशन टैली है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों टोटल टैली है, तो इक्वेशन क्या बन गई, कैपिटल इक्वल टू कैश प्लस स्टॉक इन ट्रेड, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आते हैं हम तीसरी इक्वेशन पे। अब समझिए, ही डिपॉजिटेड रुपीज 5,000 इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में डिपॉजिट होगा, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी साइड में, अगर 12 महीने के अंदर मुझे लाइबिलिटी पे करनी है तो मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, और 12 महीने से ज़्यादा का टाइम मिलता है तो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ऐसे ही एसेट्स में होता है, ऐसी एसेट्स जिनको मैं 12 महीने के अंदर लेस देन 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ वो करंट एसेट है, और 12 महीने के अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता वो मेरी नॉन करंट एसेट है। अब देखिए 5,000 रुपये एक बार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगा वो तब तक चलेगा जब तक मेरी फैक्ट्री काम रन कर रही है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट हो गया। तो 5,000 तो आ जाएगा आपका नॉन करंट एसेट में, कितना आ गया 5,000, ये 5,000 कहाँ गया मेरे कैश में से, तो 350 की जगह मेरा कैश हो जाएगा 345। तो तीसरी इक्वेशन मेरी क्या बनी, कैपिटल इक्वल टू स्टॉक प्लस कैश
प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी 5 लाख इक्वल टू 5,000 प्लस 3,45,000 प्लस 1,50,000 हो गया 5 लाख, 5 लाख टैली विद 5 लाख। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट की इक्वेशंस बनती हैं। बैलेंस शीट की इक्वेशंस के लिए आपको पहले बेसिक समझना जरूरी है। अगर आपको एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए इक्वेशंस को करना, रेशो निकालना, बैलेंस शीट को समझना, प्रॉफिट लॉस को समझना, रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंसेस को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर का कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।